राम जन्म उत्सव को लेकर गुरुवार को रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं गुरुवार शाम को महावीर चौक में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भगवान राम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का आगाज गणेश वंदना के साथ किया गया। भजन संध्या में कई भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं भजन संध्या के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जहां गुरुवार को दिन में रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, वही गुरुवार रात को महावीर चौक में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भगवान राम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का आगाज गणेश वंदना के साथ किया गया। इसके बाद भजन गायकों ने भगवान श्री राम के भजनों की गंगा बहाना शुरू किया। भजन गायकों पूनम राजस्थानी, राजू माली, गौरव जैन, विक्की गारू, तुलसीबाई ने भजन संध्या में कई भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भगवान श्री राम के भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन गायकों द्वारा प्रस्तुत भगवान श्री राम के भजनों ने पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भगवान श्री राम के भजनों की इस गंगा में देर रात तक श्रद्धालु जमे रहे और भजनों की सरिता में गोते लगाते रहे। भजन गायकों ने भी सुमधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। भजन गायकों की उम्दा प्रस्तुतियों के दौरान कई श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नाचते नजर आए। बीच बीच में भजन गायकों ने भगवान श्री राम के जयकारे भी लगाए तो पूरी धार नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। रामनवमी के उपलक्ष्य में गुरुवार रात महावीर चौक में आयोजित हुई भजन संध्या में समा बांध दिया। भजन गायक पूनम राजस्थानी, राजू माली, गौरव जैन, विक्की गारू, तुलसीबाई ने एक के बाद एक उम्दा भजन प्रस्तुत किए तो श्रद्धालु भी देर रात तक भजन सुनने के लिए पंडाल में जमे रहे। देर रात तक चली भजन संध्या में अपार श्रद्धा का माहौल नजर आया। भजन संध्या के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।